हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल साइन अप आर्ट में स्वागत है। आज मैं क्रॉचेट से लड्डू गोपाल जी के लिए ऐसे एक पिलो बनाने जा रही हूँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे पहले एक मैजिकल रिंग बना लेनी है। इसके अंदर हमें 8 डबल क्रोशे बनानी है। एक नॉट बना के हम इसको कट कर देंगे। अब हमें दूसरा कलर लेनी है। एक नॉट बना लेनी है, एक चेन बनानी है। अब इसी हुक में हमें 2 डबल क्रोशे बनानी है। एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशे का गैप छोड़ना है। फिर नेक्स्ट हुक में हमें 3 डबल क्रोशे बनानी है। फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशे का गैप, फिर उसके नेक्स्ट वाले हुक में 3 डबल क्रोशे। एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशे का गैप, फिर 3 डबल क्रोशे बनानी है। एक चेन, ये जो हमने बनाया था यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लगा के हम इसको कट कर देंगे। अब हमें दूसरा कलर चाहिए। पहले हमें एक नॉट बना लेनी है, फिर हमें इसके ऊपर एक चेन बना लेनी है। अब हमें सेम हुक में 2 डबल क्रोशे बना लेनी है। अब हमें एक चेन बना लेनी है, फिर से हमें सेम हुक में 3 डबल क्रोशे बना लेनी है। अब हमें 2 चेन्स बना लेनी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वाला हुक है यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशे बना लेने हैं।
फिर से एक चेन बनानी है, फिर हमें सेम हुक में 3 डबल क्रोशे बना लेनी है। तो ऐसा करते मैं इन दोनों जगह पर भी बना लूँगी, तो मैं बना के वापस आ रही हूँ। तो देखिए मैंने इतना तक बना लिया, अब हमें यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच लगा के कट कर देना है। अब हमें दूसरा कलर लेना है, यहाँ पर हमें एक नॉट बना लेनी है, फिर हमें इसके ऊपर एक चेन बनानी है। अब हमें इसी सेम हुक में 2 डबल क्रोशे बना लेनी है। उसके नेक्स्ट वाले हुक में हमें एक डबल क्रोशे बनानी है। अभी जो कॉर्नर वाला हुक है यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशे बनानी है। हर स्टिचेस में हमें एक एक करके डबल क्रोशे बना लेना है। ऐसे वाले गैप में 3 डबल क्रोशे, हर स्टिचेस में एक डबल क्रोशे, और ये जो कॉर्नर वाला गैप है यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशे बनानी है। तो मैं ऐसा करके पूरा कंप्लीट करके वापस आ रही हूँ। तो देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, अब हमें इसको लास्ट में स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है, फिर एक नॉट लगा के इसको कट कर देना है। तो देखिए हमारा ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा मैंने पहले एक बना के रखा था। तो अब हमें क्या करनी है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पीलो बना के रखा है। अब हमें इसको इसके अंदर ऐसा रख के इसको स्टिच कर देना है। तो ये आप लोग क्रोशे हुक से भी कर सकते हो, या फिर आप लोग ये नीडल से भी कर सकते हो, वो आप लोगों के ऊपर है। मैं यहाँ पे क्रोशिया हुक से करूँगी। हर स्टिचेस में हमें एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनानी है।
ऐसा करके मैं पूरा इसको स्टिच कर दूंगी, मैं पूरा कंप्लीट करके वापस आ रही हूँ। तो देखिए मैंने इसको पूरा कंप्लीट बना लिया, हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। मैंने इसको बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से बनाया है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे बनी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।